नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि कुमार सिहाग जी की कॉपी का अगला वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि आने वाले वर्षों में चीन की बढ़ती हठधर्मिता भारत की विदेशी नीति के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में भारत को अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक संपर्क के अतिरिक्त जनसंपर्क विस्तार पर भी ध्यान देना सही कदम होगा। चर्चा कीजिए। 200 नंबर का क्वेश्चन है, 200 वर्ड का क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों 12.5 नंबर में लिखना है। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें उन्होंने बताया है कि विदेशी नीति के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, पड़ोसी के साथ कूटनीतिक संपर्क के साथ जनसंपर्क विस्तार पर ध्यान देना होगा। तो आपका फिर आपको ध्यान में आ जाना चाहिए शांति, सुरक्षा और ये सब मुद्दे सब ध्यान में आ जाने चाहिए। चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि हालिया वर्षों में चीन के साथ सीमा विवाद, व्यापार असंतुलन और भारत को घेरने की नीतियाँ जैसे मोतियों की माला, उबेर नीति ने भारत के विदेश नीति के सामने गहरी चुनौती पेश की है। ग्वादर बंदरगाह, जिबूती में सैन्य हवाई अड्डा, हालिया मालदीव संकट, श्रीलंका में बंदरगाह निर्माण चीनी हठधर्मिता के उदाहरण भी हैं। इन्होंने देखिए भूमिका इनकी बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी इनकी भूमिका लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इनकी भूमिका बहुत ही अच्छी है। और भारत को क्या करना चाहिए, पड़ोसी देशों के स्तर पर पड़ोसी पहले की नीति पर अमल करना चाहिए, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों का संबंध के द्वारा चीनी प्रभाव प्रति संतुलित कर सकते हैं। चीन पक्ष के साथ कूटनीतिक वार्ताओं के जरिए सीमा विवाद को हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। व्यापार के मुद्दे पर भी चीन पर टैरिफ कम करने का दबाव बनाया जाना चाहिए। और भारत के जनसंपर्क की आवश्यकता क्यों है, चीन की शक्ति भारत से अधिक चाहे आर्थिक हो या सैन्य, और चीन का भारत के साथ व्यापार, उसके कुल व्यापार का केवल 2% है, और चीन के अन्य देशों से संबंध अधिक प्रगाढ़ हैं, चाहे यूरोपीय देश हो या पश्चिम एशियाई देश। चीन अपनी कूटनीति से भारत के पड़ोसी देशों को भी अपने पक्ष में कर रहा है। हालिया नेपाल विवाद या मालदीव संकट अपने आप देखिए। अब म्यांमार में कोको द्वीप पर चीन का निगरानी रडार है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और CPEC कॉरिडोर भी है। इन सभी कारणों के कारण भारत को चाहिए कि वह पहल कर चीन के साथ संसाधनों पर बात करे और यथार्थवादी कूटनीति का प्रयोग करे। देखिए इन्होंने कीवर्ड लिखना शुरू किया, यथार्थवादी की कूटनीति, राष्ट्रीयता की भावना को थोड़ा हटकर चीनी पक्ष से शांतिपूर्ण समाधान जनवार्ता ट्रैक 2 ट्रैक 3 के द्वारा ही समाधान संभव है, क्योंकि युद्ध में किसी भी पक्ष का फायदा नहीं है और युद्ध का मतलब अपने 5 साल के विकास पर पानी डालना है। तो दोस्तों आपको इनका आंसर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और ऐसे ही आंसर के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों। और ये जो है क्वेश्चन यहीं ख़त्म भी हो गया है शायद, ये देखिए ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म भी हो गया है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।